डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी हमें लगभग 75 वर्ष पुराने जमाने में ले जाता है, जब संचार के साधन सीमित थे, लोग बेहद साधारण थे और भारत गुलाम था। 1942 का कलकत्ता तब गहमा गहमी का केंद्र हुआ करता था और उस समय वहां की हवा में अजीब सी हलचल थी। इस पृष्ठभूमि पर फिल्म निर्देशक दिबाकर बनर्जी ने डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को बनाया है। शरदेंदु बंदोपाध्याय की कहानी और किरदार पर यह फिल्म आधारित है। ब्योमकेश के पास अजीत आता है, जिसके पिता केमिकल साइंटिस्ट हैं और लापता हैं। 2 महीने से मेरे पिताजी नहीं मिल रहे। ब्योमकेश यह केस अपने हाथ में लेता है और कलकत्ता में उस बोर्डिंग हाउस में जाता है जहां अजीत के पिता रहा करते थे। ब्योमकेश की मुलाकात वहाँ अनुकूल गुहा से होती है, जो बोर्डिंग हाउस चलाते हैं। केस को सुलझाने की दृष्टि से ब्योमकेश उसी बोर्डिंग हाउस में रुक जाता है। जैसे जैसे ब्योमकेश केस की तह में जाता है, उसे महसूस होता है कि यह केस इतना छोटा नहीं है जितना वह समझ रहा था। खून वाई, खून वाई, खून वाई, खून। इसमें जापानी आर्मी, चीनी ड्रग ड्रिलर्स, फिल्म इंडस्ट्री के लोग और नेता शामिल हैं। करते क्या है? अफीम बेचता हूं। इन सब के पीछे एक मास्टर माइंड है जिसकी ब्योमकेश को तलाश है। फिल्म की कहानी जटिल है क्योंकि उसमें कई घटनाएं और किरदार शामिल हैं। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जटिलता भी बढ़ने लगती है, क्योंकि इतनी सारी बातों को सिलसिलेवार याद रखना मुश्किल होने लगता है। लेकिन जो दर्शक सिरे को पकड़ कर चलते हैं, उन्हें कहानी में मजा आता है और मास्टरमाइंड की तलाश वे भी ब्योमकेश के साथ शुरू कर देते हैं। निर्देशक ने कहानी को ब्योमकेश के नजरिए से दिखाया है। दर्शकों को ब्योमकेश की सोच के हिसाब से चलना होता है और वे भी उन परेशानियों से जूझते हैं जो ब्योमकेश के सामने आती है। अजीत के पिता का केस ब्योमकेश को हर बार लगता है कि उसने सुलझा दिया है, लेकिन जिसके खिलाफ सबूत जुटाकर वह उसे ढूंढ निकालता है, वहीं ऐसा क्लू उसे मिलता है कि उसे लगता है कि वह गलत है। चूंकि ब्योमकेश का पहला केस है, इसलिए उसका कच्चापन भी उसके किरदार में झलकता है। कई बार वह दर्शकों से 2 कदम आगे खड़ा नजर आता है, तो कई बार वह पीछे रह जाता है और अपनी बेवकूफी पर हंसता भी है। सबके साथ धोखा हुआ है। फिल्म का पहला हाफ थोड़ा स्लो है और दूसरा हाफ जरूरत से ज्यादा तेज। इस गति के साथ तालमेल बिठाना आम दर्शक के लिए मुश्किल है, इसलिए क्लाइमेक्स में निर्देशक ने उन सारी बातों को दोहराया है ताकि दर्शक कुछ भूल गए हों तो उन्हें सब कुछ याद आ जाए। दिबाकर बनर्जी ने एक जासूसी फिल्म बनाई है, लेकिन वे ऐसा रोमांच पैदा करने में सफल नहीं रहे कि दर्शक सीट से चिपके रहे। साथ ही फिल्म के विलेन तक पहुंचने की बेचैनी भी वे पैदा नहीं कर पाए। हालांकि फिल्म का हर संवाद और घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और आप एक सीन या संवाद मिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिल्म में वो थ्रिल, वो एंटरटेनमेंट, वो तनाव नहीं है जो जासूसी फिल्मों के लिए जरूरी होता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।